एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुसरत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 एमसीक्यू सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 एमसीक्यू सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 4th ऑफ अगस्त के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू एमडी एंड द सीईओ ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? तो मार्केट रेगुलेटर सेबी ने हाल ही में अप्रूव किया है कि मिस्टर आशीष चौहान को बनाया जाएगा नया एमडी और सीईओ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, ठीक है। और करेंटली ये एमडी और सीईओ हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। तो ये जाने जाते हैं इस एक्सचेंज को रिवाइव करने के लिए 2009 में, जब ऑलमोस्ट ये शट डाउन की कंडीशन में था उस टाइम पे, ठीक है। इसके अलावा फिर बाद में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और इसकी सब्सिडरी CDSL ने लॉन्च किए थे सक्सेसफुल इनिशियल पब्लिक ऑफर्स को इनकी लीडरशिप में, ठीक है। और अब ये बनेंगे नए MD नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, ठीक है। क्या नाम है इनका? मिस्टर आशीष चौहान। कुछ इंपॉर्टेंट और रिसेंट अपॉइंटमेंट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अहमद नवाब अल अहमद अल सबा हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये बन गए हैं हमारे नए प्राइम मिनिस्टर कुवैत कंट्री के। विच इंडियन इकोनॉमिस्ट हैज बीन अपॉइंटेड द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक? तो कौन से ऐसे इंडिया के इकोनॉमिस्ट हैं जिनको हाल ही में वर्ल्ड बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट बना दिया गया है? ये हैं मिस्टर इंदरमीत गिल। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रसार भारती चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? तो प्रसार भारती के नए सीईओ बन गए हैं मिस्टर मयंक कुमार अग्रवाल, ठीक है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ द एशिया एंड द पैसिफिक डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? इसके लिए डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है कृष्णा श्रीनिवासन को। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम ओम्बड्समैन? तो इस स्कीम के लिए ओम्बड्समैन नियुक्त किए गए हैं मिस्टर NJ ओझा। हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए MD हाल ही में बन गए हैं मिस्टर आलोक कुमार चौधरी, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने हाल ही में अनुष्का शर्मा को बनाया है अपना ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाबहार पोर्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो ये पोर्ट एक्चुअली एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट है जो कि कहाँ पे है? ईरान में। और ये कमर्शियल ट्रांजिट सेंटर है सेंट्रल एशियन रीजन का, राइट। तो हाल ही में चाबहार डे सेलिब्रेट किया गया टू मार्क द बिगनिंग ऑफ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ओके। और ये एक इंडिया का विजन था जिसके थ्रू मूवमेंट को बेसिकली फैसिलिटेट किया गया कार्गोस का बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। तो इस चाबहार डे के दिन यूनियन पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री ने इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के साथ में मिलकर एक कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया था मुंबई में, ठीक है। और IBGL की बात करें तो इसने पार्टिसिपेट किया था इन चाबहार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, राइट। तो सिंपली याद रखिएगा ये पोर्ट कहाँ पे है, कौन सी कंट्री में, वो है कंट्री ईरान। कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स एक बार देखते हैं। विच कंट्री पास्ड द चिप्स बिल? और चिप्स का फुल फॉर्म क्या है? क्रिएटिंग हेल्पफुल इंसेंटिव्स टू प्रोड्यूस द सेमी कंडक्टर। तो US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने पास किया है हाल ही में इस चिप्स और साइंस बिल को। एम क्या है? असिस्टेंस और सब्सिडीज प्रोवाइड करना $280 बिलियन तक सेमी कंडक्टर इंडस्ट्रीज को, ठीक है। जाहिर सी बात है जो भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज हैं फिलहाल वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस कर रही हैं चाइना की वजह से, और यही रीज़न है कि इस बिल के थ्रू उन्हें $52 बिलियन तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा एडिशनल टैक्स क्रेडिट भी प्रोवाइड किए जाएंगे उन कंपनीज को जो कि सेमीकंडक्टर चिप्स को मैन्युफैक्चर करती हैं USA में, ठीक है।
तो दो बातें इंपॉर्टेंट हैं. सबसे पहले चिप्स का फुल फॉर्म क्या है, क्रिएटिंग हेल्पफुल इंसेंटिव टू प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर, और कौन से कंट्री से रिलेटेड है ये बिल. आंसर हो जाएगा यूएसए. विच कंट्री हैज ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट नेचर हैज राइट. तो हाल ही में चिले ने डेमोक्रेटिकली ड्राफ्ट किया है अपना कॉन्स्टिट्यूशन, पहली बार चिले की हिस्ट्री में. ठीक है, और इस प्रपोज्ड टेक्स्ट को किसने राइट किया है, 154 मेंबर की बॉडी ने, जिसको कि इलेक्ट किया गया था थ्रू अ पॉपुलर वोट. ठीक है, तो जो करंट 1980 का कॉन्स्टिट्यूशन है इनका, वो ज़्यादातर फोकस करता है इनके प्राइवेट राइट्स के ऊपर, इसके अलावा फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स के ऊपर. ठीक है, लेकिन अब जो इनका नया कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कुछ नए फीचर्स भी इंक्लूड किए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल, जो प्रेसिडेंट है उनको री इलेक्ट किया जा सकता है लगातार, लेकिन ऐसा सिर्फ एक बार हो सकता है. ठीक है, इसके अलावा एक इंटायर आर्टिकल है इनका एनवायरनमेंट के ऊपर, जिसमें इन्होंने ये बात की है कि नेचर के अपने कुछ राइट्स हैं और हर सिटीजन का ये फर्ज है कि वो उन राइट्स को पूरा करे. ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने एनिमल्स के बारे में बात की है कि एनिमल्स आर द सब्जेक्ट ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है. ठीक है, तो ये कौन सी कंट्री है, आंसर हो जाएगा चिले. साइंटिस्ट फ्रॉम विच कंट्री हैव डेवलप्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट ड्यूरेबल हाइड्रोजन फ्यूल सेल. तो हांगकांग यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने हाल ही में डेवलप किया है एक नया हाइड्रोजन फ्यूल सेल, और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल सेल है अब तक, और सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी है. ठीक है, तो इसी के साथ जो एप्लीकेशन है ग्रीन एनर्जी का, वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस या फिर एक्सपैंड हो सकता है पूरी दुनिया में. और जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स होते हैं, वो एफिशिएंटली पावर को जनरेट करते हैं. कैसे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके, जिसके हेल्प से किसी भी तरह का कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं होता है, या फिर पार्टिकुलेट मैटर वगैरह, या फिर किसी तरह के एयर पॉल्यूटेंट्स इजाद नहीं होते हैं इसकी वजह से. ठीक है, तो ये कौन सी कंट्री है, हांगकांग. लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट विच क्रैश लैंडेड इन इंडियन ओशन वॉज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री. तो लॉन्ग मार्च फ्लैगशिप सीरीज है रॉकेट्स का, कौन सी कंट्री का, चाइना. ठीक है, और हाल ही में जो लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट है, ये क्रैश लैंडेड हुआ इंडियन ओशन के पास. ओके, तो इस रॉकेट को लॉन्च किया गया था जून मंथ में, और किस लिए लॉन्च किया गया था, कि ये सोलर पावर्ड वेंटियन एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल को डिलीवर करेगा चाइना के तियानगोंग स्पेस स्टेशन को. और फिर एक स्टेटमेंट में नासा ने बाद में ये बताया कि चाइना ने अपनी स्पेसिफिक ट्रैजेक्टरी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की थी इसके लिए, और इसी यही रीज़न है कि जो लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट है, ये वापस अर्थ पे आ गया. ठीक है, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड टू लॉन्च अ न्यू जॉइंट इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर रिसर्च हब विद जापान. तो जापान और यूएसए मिलके लॉन्च करेंगे नया इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर रिसर्च हब. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज द वेन्यू ऑफ द इंडिया ओमान ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल अल नजा. तो इंडियन आर्मी और रॉयल आर्मी ऑफ ओमान ने हाल ही में स्टार्ट कर दिया है 13 डेज की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को, कहाँ पे, राजस्थान इंडिया में. ठीक है, और ये फोर्थ एडिशन है इंडिया ओमान ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल का, जिसका नाम है अल नजा. और इसका फोकस क्या रहेगा, काउंटर टेररिज्म, रीजनल सिक्योरिटी और पीस कीपिंग ऑपरेशन. ठीक है, तो आपको दो बातें याद रखनी है, अल नजा कौन सी दो कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है, इंडिया और ओमान, और प्रेजेंट में ये कहाँ हो रही है, राजस्थान में. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स देखते हैं जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थे. विच स्टेट पुलिस वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द प्रेसिडेंट्स कलर. तो वाइस प्रेजिडेंट वेंकैया नायडू ने हाल ही में ये अवार्ड प्रेजेंट किया है तमिलनाडु की पुलिस को. और ये जो प्रेजिडेंट कलर होता है, ये हाइएस्ट ऑनर है जो कि किसी मिलिट्री या फिर स्टेट पुलिस को प्रेजेंट किया जाता है, इन रिकॉग्निशन ऑफ कि कितनी अच्छी सर्विस उन्होंने प्रोवाइड की है पिछले कम से कम 25 सालों में नेशन को. ठीक है, मार्टन सन टेम्पल विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी. तो ये सन टेम्पल कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में, और ये क्यों न्यूज में था, इसके बारे में हमने पिछले ही लेक्चर में बात की थी. लोकतक लेक द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट. ये लेक कहाँ पे है, मणिपुर में. और एक चीज़ और याद रखिएगा कि ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इंडिया का कौन सा है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, और ये भी कहाँ पे है, मणिपुर स्टेट में. ठीक है, पीजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेयर अ न्यू डेंसल फ्लाई स्पेशीज वॉज स्पॉटेड इज इन विच स्टेट.
तो ये जो पीछे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पे है? आंसर हो जाएगा केरला. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इट्स ऑनलाइन टैक्सी हायरिंग सर्विस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? तो जैसे कि प्रोफेशनल कैब्स वगैरह होते हैं उसी तरह की सर्विस हाल ही में केरला ने शुरू की है और इसी के साथ ये पहला स्टेट बन गया है जिसने अपनी खुद की ऑनलाइन टैक्सी हायरिंग सर्विस को स्टार्ट किया है. विच इंडियन स्टेट इज द फर्स्ट टू लॉन्च द ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु. और तमिलनाडु फर्स्ट स्टेट बन गया है इंडिया का जिसने की ब्रेकफास्ट स्कीम को लॉन्च किया है अपने यहाँ के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों के लिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज द हेड ऑफ द टास्क फोर्स रिसेंटली सेटअप बाय द सेंटर टू मॉनिटर द मंकी पॉक्स सिचुएशन इन इंडिया? तो जैसा कि हम जानते हैं कि मंकी पॉक्स सिचुएशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है इंडिया में, तो इसके लिए सेंटर ने एक कमेटी को फॉर्म किया है. उसके हेड कौन है आपसे ये पूछा जा रहा है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस टास्क फोर्स को इस्टेब्लिश किया है ताकि मंकी पॉक्स सिचुएशन को मॉनिटर किया जा सके इंडिया में. और इसको लीड कौन करेगा? डॉक्टर वी के पॉल, जो कि मेंबर हैं नीति आयोग के. ठीक है, तो इस टास्क फोर्स में दूसरे और भी लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल सेक्रेटरी ऑफ यूनियन, हेल्थ मिनिस्ट्री, फार्मा एंड बायोटेक. तो ये जो कमेटी है ये एडवाइस करेगी गवर्नमेंट को कि किस तरह से जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हैं उन्हें एक्सपैंड करने की ज़रूरत है या फिर वैक्सीनेशन को इन्वेस्टिगेट करेगी अगेंस्ट द डिजीज़. ठीक है, तो फिलहाल इंडिया में 4 मंकी पॉक्स के केसेस अब तक मिल चुके हैं जिसमें से 3 हमें मिले हैं केरला से और 1 केस हमें मिला है नई दिल्ली से. ठीक है, क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे. द इंडियन नेवी रिसेंटली रिसीव्ड 2 MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम विच कंट्री? तो ये सबसे एडवांस्ड हेलीकॉप्टर्स हैं फिलहाल और हाल ही में हमने 2 ऐसे हेलीकॉप्टर्स रिसीव किए हैं USA से. अतुला नदा गोस्वामी हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज अ फेमस राइटर इन विच लैंग्वेज? तो हाल ही में इनका निधन हो गया है और ये फेमस राइटर थे एसमीज लैंग्वेज में. यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक हैज़ रिसेंटली ज्वाइंट विच इनिशिएटिव ऑफ इंडिया? तो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने हाल ही में ज्वाइन कर लिया है हमारे CDRI को. क्या है ये? कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव. ठीक है, नोबेल लॉरियट डेविड ट्रिम्बल हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये हैं फर्स्ट मिनिस्टर आयरलैंड के और हाल ही में इनका निधन हो गया है. ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये नोबेल लॉरियट हैं. सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड वॉज रिसेंटली प्रेजेंटेड टू विच लीडर? ये अवार्ड हाल ही में दिया गया है प्रेजिडेंट ऑफ यूक्रेन व्लादिमीर जेलेंस्की को. नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? इस आइलैंड को हम और किस नाम से जानते हैं? रॉस आइलैंड. और ये कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सरसाइज विन बैक्स 2022 इज अ बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? तो इंडिया एंड वियतनाम ने हाल ही में कमेंस की है अपना तीसरा एडिशन इस एक्सरसाइज का जिसका नाम है विन बैक्स. और ये 20 डेज की मिलिट्री एक्सरसाइज रहेगी और कहाँ पे होगी? ये हरियाणा स्टेट में. ठीक है, तो वेन्यू भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और थीम क्या है इस एक्सरसाइज के लिए? डिप्लॉयमेंट ऑफ एन इंजीनियर कंपनी एंड अ मेडिकल टीम एज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस कंटिंजेंट फॉर पीस कीपिंग ऑपरेशन. तो जो थीम है वो इतनी ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, आपको ध्यान नहीं रखना है. वो सिर्फ 2 बातें याद रखिएगा कि विन बैक्स कौन सी 2 कंट्रीज़ के बीच की एक्सरसाइज है, वियतनाम और इंडिया, और कहाँ पे होगी ये? हरियाणा में. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज एक बार देखते हैं. विच कंट्री ऑर्गेनाइजेज द एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड एज हैन कुआंग? तो इस एक्सरसाइज के लिए होस्ट कौन सी कंट्री है? ताइवान. इंडियन नेवी कंडक्टेड अ मैरिटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विद विच कंट्री इन द अंडमान सी? तो हाल ही में हमने एक मैरिटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है जापान के साथ और इस एक्सरसाइज के दौरान INS सुकन्या ने पार्टिसिपेट किया इंडिया की तरफ से. ठीक है, सी गार्डियंस 2 इज अ ज्वाइंट मैरिटाइम एक्सरसाइज कंडक्टेड बाई विच कंट्रीज? तो सी गार्डियंस 2 में कौन सी 2 कंट्रीज आती हैं? चाइना और पाकिस्तान. ठीक है, पाकिस्तान के बारे में ये बात याद रखिएगा कि फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में रिटेन कर दिया है पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में एक बार फिर. इंडियन नेवीज स्टेल्थ फ्रिगेट INS तरकश कंडक्टेड अ मैरिटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विद विच कंट्रीज नेवी? तो हमने ये एक्सरसाइज कंडक्ट की है सूडान के साथ और इंडिया की तरफ से गई थी INS तरकश इसमें हिस्सा लेने और सूडान की तरफ से इनकी 2 नेवी शिप्स आई थी
फर्स्ट का नाम था अलमेस और सेकेंड थी नाइमर, ठीक है। द मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज कॉल्ड एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2022 वॉज ऑर्गेनाइज इन विच कंट्री, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था मंगोलिया कंट्री में। इंडिया रिसेंटली कंडक्टेड अ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज विद विच कंट्री ऑन द अंडमान सी एंड द स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का, आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, ठीक है। अच्छा एक होमवर्क दे रही हूँ आपको, आपको कमेंट्स में लिखना है ऐसे तीन कंट्रीज के नाम जिनके साथ इंडिया कॉर्पैट नहीं कंडक्ट करती है, ठीक है, नहीं करती है, उल्टा नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है। ऐसे कंट्रीज का नाम आपको लिखना है जिनके साथ हम कॉर्पैट नहीं कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज रिसेंट अनाउंसमेंट कोविन एप्लीकेशन इज रीपर्पज फॉर विच प्रोग्राम, तो कोविन को रीपर्पज किया गया है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के लिए, और जो कोविड हेड या फिर CEO हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के डॉक्टर RS शर्मा, इन्होंने अनाउंस किया कि ये जो एप्लीकेशन है ये हेल्प करेगा वैक्सीनेशन सेंटर्स को फाइंड आउट करने में, उसके अलावा इसमें रिमाइंडर्स भी मौजूद होंगे जो आपको रिमाइंड करते रहेंगे आपके सब्सिक्वेंट वैक्सीनेशन के लिए फॉर प्रिवेंटेबल डिजीजेस मदर्स के लिए साथ ही न्यूली बॉर्न के लिए, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन एक बार देखते हैं। What is the name of the new application launched by UIDAI to authenticate the Aadhaar number with face? तो जो भी आपका आधार नंबर है वो आपके फेस के साथ में मर्ज कर दिया जाएगा, और इस नए एप्लीकेशन का नाम है आधार फेस RD, ठीक है। तो इसका फायदा क्या होगा, किसी को भी अपना फिजिकल आधार कार्ड लेके जाने की जरूरत नहीं रहेगी, अगर आपका फेस लिंक हो चुका है आधार कार्ड के साथ तो आपका फेस ही काफी रहेगा आपके आधार कार्ड को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। Viva Engage is a new application of which tech major? ये जो है नया application है Microsoft का। E-Amrit mobile application which was recently launched is associated with which sector? E-Amrit का full form क्या होता है? Accelerated e-mobility revolution for India's transportation, ठीक है। और ये किससे related हो जाएगा? Electric mobility से, ठीक है। Which is the first state in India to implement the national e-Vidhan application? तो पहला ऐसा स्टेट जिसने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को इंप्लीमेंट कर दिया है ये स्टेट है नागालैंड। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द सिस मोबाइल एप्लीकेशन, आंसर हो जाएगा NCPCR, फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। विच पेमेंट एप्लीकेशन हैज RBL बैंक पार्टनर्ड विद टू ऑफर द UPI पेमेंट, तो RBL बैंक ने हाल ही में Amazon पे के साथ पार्टनरशिप की है UPI पेमेंट्स को ऑफर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेसिंग ड्राइवर वन द 2022 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल, तो रेड बुल के एस रेसिंग ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपेन ने जीत लिया है 2022 का हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स, और उसके बाद सेकंड पोजीशन पे थे लुइस हैमिल्टन जो कि 7-time वर्ल्ड चैंपियन है, और इसके बाद थर्ड प्लेस पे थे इसमें जॉर्ज रसल, ठीक है। तो ये जो इनकी जीत थी मैक्स वर्स्टैपेन की, ये इस सीजन की 8th विनिंग थी इनकी, और साथ ही 28th थी इनके कैरियर की, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट ग्रैंड प्रिक्सेस एक बार देखते हैं। विच रेसिंग ड्राइवर वन द फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022, इसको हाल ही में जीत लिया है मैक्स वर्स्टैपेन ने, और उसके बाद सेकंड थे लुइस हैमिल्टन, और थर्ड थे इसमें जॉर्ज रसल। विच रेसिंग ड्राइवर वन द ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 टाइटल, आंसर हो जाएगा चार्ल्स लेक्लर्क, सेकेंड है इसमें मैक्स वर्स्टैपेन, और थर्ड है लुइस हैमिल्टन। विच रेसिंग ड्राइवर वन द ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022, तो इसको जीता है कार्लोस सेंस ने। विच रेसिंग ड्राइवर वन द 2022 कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स, ये जीत लिया था मैक्स वर्स्टैपेन ने, सेकेंड थे इसमें कार्लोस सेंस, और थर्ड थे लुइस हैमिल्टन। विच रेसिंग ड्राइवर वन द अजरबैजान फॉर्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल इन 2022, इसको जीता था मैक्स वर्स्टैपेन ने। विच रेसिंग ड्राइवर वन द मोनाको ग्रैंड प्रिक्स टाइटल, इसको जीता था सर्जियो पेरेज ने, सेकेंड थे इसमें कार्लोस सेंस, और थर्ड थे इसमें मैक्स वर्स्टैपेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉरेन बैंक्स IFSC बैंकिंग यूनिट वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन गिफ्ट सिटी अहमदाबाद, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इनॉग्रेट किया है IFSC बैंकिंग यूनिट को डॉयचे बैंक की एट द गुजरात इंटरनेशनल फिनेंस टेक सिटी दैट इज गिफ्ट सिटी अहमदाबाद में, ठीक है। तो ये जो IBU है ये ऑफर करेगा अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को अक्रॉस द ट्रेड फिनेंस
फिक्स्ड इनकम एंड करेंसीज अपने इनिशियल फेज में, ठीक है। इसके अलावा ये प्रोवाइड करेंगे अप्रूव्ड इंटरनेशनल फाइनेंसिंग प्रोडक्ट्स को इस बैंक के क्लाइंट्स को इंडिया में, साथ ही साथ ओवरसीज में भी, ठीक है। तो सिंपली आपको याद रखना है कि कौन सी फॉरेन बैंक है, आंसर हो जाएगा डॉयचे बैंक। कुछ बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स एक बार देखते हैं। विच इंडियन बैंक हैज अक्वायर्ड द कंज्यूमर बैंकिंग ऑपरेशंस ऑफ सिटी बैंक, ये बैंक कौन सी है, एक्सिस बैंक। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैनरा बैंक मोबाइल बैंकिंग सुपर एप्लीकेशन, तो कैनरा बैंक ने हाल ही में अपना एक सुपर एप्लीकेशन जनरेट किया था, इसका नाम था कैनरा AI1। तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन था इनके सभी और एप्लीकेशन के तौर पे। विच स्टेट हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद तेलंगाना टू सेटअप ऑल वुमेन रन कोऑपरेटिव बैंक, तो राजस्थान स्टेट ने ये MOU साइन किया है तेलंगाना के साथ और अब ये सेटअप करेंगे ऑल वुमेन रन कोऑपरेटिव बैंक को। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड अ $96.3 million लोन टू विच स्टेट फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, तो ADB ने इतना अमाउंट का लोन अप्रूव किया है हिमाचल प्रदेश स्टेट के लिए इनके सेफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। ADB का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, फिलीपींस में। द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड अ फंडिंग ऑफ 1600 crore rupees टू विच स्टेट फॉर द पावर सेक्टर डेवलपमेंट, आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ADB ने इतना अमाउंट दिया है इनके सेफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन के लिए और वर्ल्ड बैंक ने दिया है 1600 crore rupees इनके पावर सेक्टर के लिए, ठीक है। तो डिफरेंट चीज़ें हैं, इसको कन्फ्यूज नहीं करिएगा, और स्टेट सेम है क्योंकि हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑफिशियल स्लोगन ऑफ द 2024 पेरिस ओलंपिक्स, तो हाल ही में जो ऑर्गेनाइजर्स हैं 2024 पेरिस ओलंपिक्स के, उन्होंने ऑफिशियल स्लोगन इसके लिए रिलीज किया है, क्या है वो, गेम्स वाइड ओपन, ठीक है। तो ये जो 2024 समर ओलंपिक्स है जिसको आप 33rd ओलंपियाड के नाम से भी जानते हैं, कब होगा ये, जुलाई टू अगस्त 2024 में, राइट। कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स देखते हैं। जर्मी लालरिन नुंगा हु वन द गोल्ड मेडल इन द कॉमनवेल्थ गेम्स प्लेस विच स्पोर्ट्स, तो इन्होंने हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए इन द मेंस 67 kgs कैटेगरी वेट लिफ्टिंग की फील्ड में कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, ठीक है। तो ये सिर्फ 19 ईयर्स ओल्ड एथलीट हैं और कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, मिजोरम से। इसी के साथ इन्होंने एक नया कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड भी क्रिएट किया है स्नैच इवेंट में, जिसमें इन्होंने पिकअप किया था 140 kgs, ठीक है। तो इसी के साथ ये इंडिया का 5वां मेडल है फ्रॉम द वेट लिफ्टिंग एरिया, और पहले 4 मेडल कौन कौन जीत चुका है, मीराबाई चानू इन्होंने गोल्ड जीता था, इसके बाद सांकेत सागर इन्होंने सिल्वर जीता था, इसके बाद हैं विद्या रानी देवी, ये सिल्वर जीती थी, और उसके बाद हैं गुरुराज पुजारी, इन्होंने जीता था ब्रोंज, ठीक है। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा वन विच मेडल इन द 2022 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, तो नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है इस चैंपियनशिप में। विच इंडियन प्लेयर वन द पैरिसिन ओपन ए चेस टूर्नामेंट 2022 इन सर्बिया, याद रखिएगा ये टूर्नामेंट हुआ कहाँ पे था, सर्बिया में, और कौन से इंडिया के प्लेयर हैं जिन्होंने ये जीता था, तो ये हैं वेरी फेमस प्रज्ञानंदा। विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन वन द सिंगापुर ओपन 2022 चैंपियनशिप टाइटल, इसको जीता था PV सिंधु ने। क्या बता सकते हैं कि PV सिंधु कौन से गेम के लिए फिलहाल ओपनिंग फ्लैग बेयरर के तौर पे चूज की गई हैं, आपको उस गेम का नाम कमेंट्स में लिखना है। विच स्पोर्ट्स पर्सन वन द मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टाइटल 2022, इसको जीता है चिको ओरा ड्वी वार्डोयो ने, ठीक है, और ये कहाँ से हैं, इंडोनेशिया कंट्री से। किसको हरा के जीता था इन्होंने, तो इन्होंने हराया था एक्चुअली हांगकांग के स्टार एंगुस का लॉन्ग को, ठीक है, ये हांगकांग से बिलोंग करते हैं, ओके। क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे, ये 5 क्वेश्चन हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कॉमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विद टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताएगा कॉमेंट्स में, साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ, टिल देन स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मीनू हैड सना साइनिंग ऑफ।